आज की हेडलाइंस के प्रायोजक हैं मधुस्थली विद्यापीठ, नए सत्र में 11वीं का नामांकन प्रारंभ, आर्ट्स कॉमर्स और साइंस फैकल्टी का नामांकन शुरू हो चुका है। रविवार को अनमंडल के करौ प्रखंड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के सौजन्य व प्रखंड विकास पदाधिकारी के नेतृत्व में कोरोना संक्रमण रोधक टीकाकरण अभियान के तहत करौ के बावरी टोला व केवट टोला में टीकाकरण शिविर लगाया गया, जिसमें 18 प्लस और 45 प्लस के महिला पुरुषों को सैकड़ों की संख्या में ANM सुमति टुडू ने सफलतापूर्वक टीकाकरण किया। इस अवसर पर प्रखंड विकास पदाधिकारी ने टीकाकरण की महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि टीकाकरण ही एकमात्र कोरोना से बचने का उपाय है। मौके पर वीरेंद्र तिवारी, अमित ओझा, मीता रजक, शीला सुशांति, सुमरन और साजी आदि लोग उपस्थित थे। अनुमंडल के करौ प्रखंड स्थित ऐतिहासिक व धार्मिक गांव पिछले कई दिनों से ट्रांसफार्मर जल जाने से राय टोला, मिश्रा टोला, नापी टोला और मंडल टोला आदि टोलों के लोग अंधकार में डूबे हुए हैं। बिजली के बिना मोहल्लेवासी का जीवन बेहाल है। शिव शंकर राय ने बताया कि स्थानीय बिजली मिस्त्री ने देखकर कहा, ट्रांसफार्मर जल गया है, अब नया ट्रांसफार्मर चाहिए। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन में अंधेरा छा गया। शंकर साहब ने कहा, बिजली के बिना बच्चों की पढ़ाई लिखाई बंद है। मेडिकल दुकानदार कपिल राय ने कहा कि बिजली के बिना फ्रिज में रखी दवाइयां खराब हो रही है। कोरोना काल में बिजली विभाग सक्रियता दिखाते हुए अविलंब ट्रांसफार्मर की व्यवस्था करें। दिनेश राय सुंदर रजवार ने कहा, हमारे जनप्रतिनिधि को इस समस्या का निदान करना चाहिए। मौके पर विनोद राय, मंटू राय, बीरू, दिलीप सिंह लोग उपस्थित थे। कोरोना का ट्रांसफार्मर कितना दिन से खराब है? 4 दिन से खराब है। इसमें हम लोग का करीब 150 कंज्यूमर राइट टोला भी है, साउथ टोला भी है, भंडारी टोला है, मिश्र टोला है। बहुत भयानक स्थिति में हम लोग। कई दिन से आप लोग मना अंधकार में है? 4 दिन आज 5वां दिन जा रहा। तो मिस्त्री आया था क्या? आया था, बोला जल गया है, तो अभी भी इसका भयानक अभी तक दे देना चाहिए। 24 घंटे में सुनते हैं कि आपूर्ति मिलती है, लेकिन कोई सुनवाई वगैरह नहीं हुआ है। ये ट्रांसफार्मर किस जगह है? ये है ओझा पोखरी में। तो आप लोग सरकार से क्या मांग कर रहे हैं? नया ट्रांसफार्मर चाहिए, 200 केवी का ट्रांसफार्मर देना चाहिए हम लोग को।